Good morning, student. Today we'll discuss ecosystem and trophic levels. You may have observed several food chains in the food web of the rice field. Last lecture में हमने देखा था कि राइस फील्ड में फूड चेन और फूड वेब कैसे तैयार होते हैं और आपको 5 फूड चेन बनाने के लिए बोला गया था. We find there that the food chain started with mainly the rice plant. वहाँ से जो हमने देखा कि फूड चेन का जो ओरिजिन है वो कौन है, राइस प्लांट. Those that feed on the rice plants like the sparrows, herbivores, insects, rats, rabbits, squirrels are primary consumers. और उस राइस प्लांट को खाने वाले जितने भी इंसेक्ट या हर्बीवोर्स है वो सारे कहलाएंगे प्राइमरी कंज्यूमर्स. What are the organism that feed on the primary consumer? These organisms are called secondary consumers. और इन हर्बीवोर्स को, इंसेक्ट्स को, रैट्स को, रैबिट्स को खाने वाले जितने भी ऑर्गेनिजम्स होंगे उनको हम बोलेंगे सेकेंडरी कंज्यूमर. राइट. जो प्राइमरी कंज्यूमर पे फीड होते हैं उनको सेकेंडरी कंज्यूमर्स हम बोलेंगे. आर देयर ऑर्गेनिज्म इन द फूड वेब दैट कंज्यूम द सेकेंडरी कंज्यूमर्स एंड दैट फीड ऑन द सेकेंडरी कंज्यूमर्स आर कॉल्ड टर्शरी कंज्यूमर्स. अब इस सेकेंडरी कंज्यूमर्स को खाने वाले जितने भी ऑर्गेनिजम्स होंगे वो सारे होंगे टर्शरी कंज्यूमर्स. हम लोग वापस अपनी फूड वेब पे चलते हैं. यहाँ पे देखो आप कि आपको राइस प्लांट दिख रहा है जो आपका पहला सोर्स है और इसको खाने वाले जितने भी हर्बीवोर्स है, ये देखो हर्बीवोर्स, देन सीड ईटिंग बर्ड, देन रैट, स्क्विरल, रैबिट, ये सारे हैं आपके प्राइमरी कंज्यूमर्स. फिर सेकेंडरी कंज्यूमर की यदि बात करते हैं, सेकेंडरी कंज्यूमर्स की बात करते हैं तो इनको खाने वाले हर्बीवोर को, हर्बीवोर इंसेक्ट को खाने वाला कौन है, स्पाइडर या फिर कार्निवोर इंसेक्ट. राइट. हर्बीवोर को खाने वाला कौन है, हर्बीवोर को खाने वाला है आपका स्पाइडर, फिर कार्निवोर इंसेक्ट और इन सब को खाने वाले कौन है, देखो सीड ईटिंग बर्ड को खाने वाला है आपका आउल. ये आउल जो है आपका क्या है, सेकेंडरी कंज्यूमर. और आपका फ्रॉग जिस इसको खाने वाला, ये भी आपका सेकेंडरी कंज्यूमर. ये इंसेक्टिवोरस बर्ड, ये सारे आपके सेकेंडरी कंज्यूमर जो स्पाइडर को भी खाते हैं. यहाँ पे यदि फॉक्स की बात करें वो रैबिट को खा रहा है तो ये आपका हो गया प्राइमरी कंज्यूमर और ये हो गया आपका सेकेंडरी कंज्यूमर. राइट. रैबिट को खाने वाले ह्यूमंस हम इनको बोल सकते हैं सेकेंडरी कंज्यूमर्स. राइट. अब ये जो सेकेंडरी कंज्यूमर्स है इनको खाने वाले, इनको खाने वाले कौन है, इनको खाने वाला है आपका स्नेक. ये हो गया आपका टर्शरी कंज्यूमर. या फिर आप बोल सकते हो कि बर्ड को खाने वाला ऑल क्या है, सेकेंडरी और टर्शरी दोनों इसमें आ सकता है. सेकेंडरी या टर्शरी में वो आ सकता है. क्लियर. इन दिस वे वी हैव टू फाइंड आउट. इस तरह से हम लोगों को क्या करना है, प्राइमरी कंज्यूमर, सेकेंडरी कंज्यूमर एंड टर्शरी कंज्यूमर को समझना है. ऑर्गेनिजम्स फीडिंग एट डिफरेंट लेवल, वी कंसिडर देम टू बी ऑक्यूपाइंग अ सर्टन लेवल ऑफ फीडिंग कॉल्ड ट्रॉपिक लेवल. और ये जो उनका अलग अलग लेवल है उसको हम क्या बोलते हैं, ट्रॉपिक लेवल. पॉइंट इज क्लियर.
टॉपिक लेवल दैट कुड बी आइदर प्रोड्यूसर और प्राइमरी कंज्यूमर और सेकेंडरी कंज्यूमर। अब हम देखते हैं फर्स्ट टॉपिक लेवल में आपका क्या है, प्रोड्यूसर है। फर्स्ट टॉपिक लेवल में क्या आता है, प्रोड्यूसर। और सेकेंड टॉपिक लेवल में क्या आ रहा है आपका, प्राइमरी कंज्यूमर, सेकेंडरी कंज्यूमर थर्ड ट्रॉफिक लेवल एंड टर्शियरी कंज्यूमर फोर्थ ट्रॉफिक लेवल। क्वार्टरनरी कंज्यूमर दैट इज यूजुअली आल्सो टॉप कंज्यूमर, उनको हम फिफ्थ ट्रॉफिक लेवल भी बोल सकते हैं। यूजुअली इन अ पॉपुलेशन ऑफ ऑर्गेनिज्म ऑफ अ पर्टिकुलर ट्रॉफिक लेवल वी मे फाइंड कॉम्पिटेटिव फीडिंग बिहेवियर एंड दिस ऑन हायर ट्रॉफिक लेवल आर डिपेंडेंट ऑन द लोअर ट्रॉफिक लेवल। हमने देखा है कि जहाँ पे ऑर्गेनिज़म्स क्या है, पॉपुलेशन ज़्यादा है ऑर्गेनिज़म की, मतलब ऑर्गेनिज़म्स बहुत ज़्यादा मात्रा में है, तो वो ट्रॉफिक लेवल क्या हो जाता है, वहाँ पे कॉम्पिटिटिव फीडिंग बिहेवियर आ जाता है। मतलब आपके पास सेकेंडरी कंज्यूमर्स कम है बट टर्शियरी कंज्यूमर्स ज़्यादा है, तो उसमें कॉम्पिटिशन होगा। दोज ऑन हायर ट्रॉफिक लेवल आर डिपेंड, और जो भी हायर ट्रॉफिक लेवल पे, जैसे टर्शियरी कंज्यूमर डिपेंड फॉर फूड ऑन सेकेंडरी कंज्यूमर, सेकेंडरी कंज्यूमर डिपेंड फॉर फूड ऑन प्राइमरी कंज्यूमर, तो ये क्या है, द पॉपुलेशन ऑफ ऑर्गेनिज्म ऑफ अ ट्रॉफिक लेवल इज कंट्रोल्ड, दैट इज द इम्पॉर्टेंट पॉइंट यू हैव टू रिमेंबर। क्या बोल रहे हैं ये, हमें क्या बता रहे हैं, द पॉपुलेशन ऑफ द ऑर्गेनिज्म ऑफ अ ट्रॉपिक लेवल इज कंट्रोल। ये हर ट्रॉपिक लेवल के ऑर्गेनिज्म की पॉपुलेशन कंट्रोल कैसे होती है, द बाय द पॉपुलेशन ऑफ द नेक्स्ट और द हाइयर ट्रॉपिक लेवल। जैसे कि हम बात करते हैं, यदि आप देखोगे कि प्रोड्यूसर जो है वो प्लांट है, कुछ वजह से प्लांट की जो है ना, प्लांट बह गए समझो, या बहुत पानी वहाँ प्लांट को नहीं मिल पाया, तो प्लांट के जो नंबर है वो कम हो गए। प्लांट के नंबर कम हो जाने से जो प्राइमरी कंज्यूमर्स थे उनको, सभी कंज्यूमर्स को फूड नहीं मिला। इंसेक्टिवोर्स है, देन रैबिट है, उसके बाद बहुत सारे प्राइमरी कंज्यूमर्स हमने देखे कि क्या है, रैबिट, स्क्विरल्स, तो इनको सबको वो खाना नहीं मिला, तो डेफिनेटली उसमें से कुछ मर जाएंगे। तो इस तरह से प्राइमरी कंज्यूमर की संख्या कम हो जाएगी। प्राइमरी कंज्यूमर की संख्या कम हो गई तो सेकेंडरी कंज्यूमर जितने भी है उनको भी प्रॉपर वो फूड नहीं मिल पाएगा, क्योंकि सेकेंडरी कंज्यूमर्स उतने ही हैं, उनमें कोई बदलाव नहीं आया। तो धीरे धीरे ये क्या करते हैं कि हायर ट्रॉपिक लेवल पे उसका असर हमको देखने को मिलता है। देयर आर सर्टन अदर ऑर्गेनिज्म इन नेचर दैट आइदर फीड ऑन डेड और डिकेइंग मैटर और ऑन द वेस्ट ऑफ अदर ऑर्गेनिज्म। इसके अलावा भी हम ऐसे टाइप की ऑर्गेनिज्म्स देखते हैं नेचर में जो कि डेड और डिकेइंग मैटर या फिर वेस्ट ऑफ अदर ऑर्गेनिज्म जिनके ऊपर वो फीड करते हैं, वो उनका खाना रहता है। दीज में भी स्कैवेंजर्स, और उनको हम बोलते हैं स्कैवेंजर्स लाइक क्रोज, कॉकरोचेस, और डिकम्पोजर्स लाइक बैक्टीरिया एंड फंजाई। तो वो डिकम्पोजर्स भी हो सकते हैं, स्कैवेंजर्स भी हो सकते हैं। विच ट्रॉपिक लेवल शुड दीज ऑर्गेनिज्म बिलोंग टू, आपको ये ट्रॉपिक लेवल दिया गया है और आपको बताना है कि ये कौन से ट्रॉपिक लेवल वे ऑर्गेनिज्म बिलोंग करते हैं। देखो यहाँ पे ओमनिवोर ऑर्गेनिज्म दैट फीड ऑन प्लांट एज वेल एज एनिमल लाइक ह्यूमन बींग शुड बी केप्ट एट विच ट्रॉपिक लेवल। ह्यूमन बींग्स को हम, यदि आप वेज और नॉन वेज दोनों खाते हो तो आप ओमनिवोर्स हो जाओगे, और आप वेजिटेरियन हो तो आप क्या हो जाओगे, हर्बीवोर्स। मीन्स कौन से ट्रॉपिक लेवल में आप उनको रखोगे, तो डेफिनेटली हम लोग वेजिटेरियन सेकेंड ट्रॉपिक लेवल पे जाएंगे, जो नॉन वेज भी खाते हैं वो कार्निवोर्स हो जाएंगे, एंड स्कैवेंजर्स एंड डिकम्पोजर्स इसमें तो कभी नहीं आ सकते हैं। स्कैवेंजर्स में कौन आ रहा है, डेड डिकेइंग मैटर को खाने वाले क्रोज और कॉकरोचेस, और डिकम्पोजर्स लाइक बैक्टीरिया एंड फंजाई। ओमनिवोर ऑर्गेनिज्म दैट फीड ऑन प्लांट एज वेल एज एनिमल्स, we can observe in figure that decomposer help in decomposition at all trophic levels and help in providing the decomposed matter in the form of nutrient for producer at the first trophic level। ये बोलते हैं कि जितने भी second trophic level के organisms हैं, मतलब
कौन से है, वो स्क्विरल्स है, रैबिट है या इंसेक्ट्स है, जो प्लांट को खाने वाले कीड़े, ये सारे जो है इनका जो भी वेस्ट प्रोडक्ट आपको मिलेगा वो सारे कौन किसके काम में आएगा, डेफिनेटली बैक्टीरिया के काम में आएगा या फंजाई के काम में। तो ये क्या करेंगे, इस मैटर को और वेस्ट प्रोडक्ट को डिकम्पोज करके उसमें से वो न्यूट्रिएंट सब्सटेंस बनाएंगे, जो न्यूट्रिएंट सब्सटेंस प्लांट्स के लिए मैन्यूअर जैसे यूज होगा और प्लांट अच्छे से ग्रो होगा। मतलब हर ट्रॉपिक लेवल में जो भी वेस्ट प्रोडक्ट आ रहा है वो उसको डिकम्पोज कर रहे हैं स्कैवेंजर्स एंड बैक्टीरिया, स्पेशली बैक्टीरिया एंड फंजाई, दे डिकम्पोज दिस डेड मैटर इनटू अ मैन्यूअर रिच इन न्यूट्रिएंट एंड दिस मैन्यूअर इज यूज बाय प्लांट। इस तरह से ये आपका क्या बोल सकते हैं हम, साइकिल कंप्लीट हो जाता है, ट्रॉपिक लेवल्स एंड डिकम्पोजर्स इन द फॉर्म ऑफ न्यूट्रिएंट फॉर प्रोड्यूसर एट द फर्स्ट ट्रॉपिक लेवल। नाउ वी शैल यूज अनदर मॉडल, द इकोलॉजिकल पिरामिड, टू ट्राई टू मेक अ क्वांटिटेटिव स्टडी ऑफ द इंटरडिपेंडेंस बिटवीन ऑर्गेनिजम्स, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ रिसोर्सेज, फ्लो ऑफ एनर्जी। It become easy to make a comparative study of different ecosystem with the help of ecological pyramid. यहाँ पे हमने एक food chain या एक cycle draw करके देखा कि हर tropic level पे क्या हो रहा है। Ecological pyramid हमने एक क्या किया, यहाँ पे tropic level और decomposer को एक cycle form में दिया। अब एक दूसरे तरह से भी हम इस model को डिस्क्राइब कर सकते हैं या बना सकते हैं, वो होता है इकोलॉजिकल पिरामिड। ये इकोलॉजिकल पिरामिड हमें मदद करता है क्वांटिटेटिव स्टडी, किसका, इंटरडिपेंडेंस बिटवीन ऑर्गेनिज्म, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ रिसोर्स, फ्लो ऑफ एनर्जी। वो पिरामिड हमें बताता है कि कितने ऑर्गेनिज्म किस लेवल पे है, फिर उनको कितना डिस्ट्रीब्यूशन यानी डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ रिसोर्स मतलब कितना, फर्स्ट ट्रॉपिक लेवल प्रोड्यूसर्स कितने हैं और एनर्जी कैसे इनमें ट्रांसफर हो रही है, ये सब चीज़ हमें एट अ ग्लांस बताने वाला मॉडल है इकोलॉजिकल पिरामिड, स्टडी ऑफ इकोलॉजिकल पिरामिड, पिरामिड ऑफ नंबर्स। चार्ल्स एल्टन एन एनवायरमेंटलिस्ट रोट इन हिज बुक एनिमल इकोलॉजी इन द ईयर 1927 फॉर द फर्स्ट टाइम अबाउट इकोलॉजिकल पिरामिड्स। इकोलॉजिकल पिरामिड्स के बारे में सबसे पहले लिखने वाले जो साइंटिस्ट या एनवायरमेंटलिस्ट है वो है चार्ल्स एल्टन। उन्होंने अपनी एनिमल इकोलॉजी बुक में क्या लिखा है देखते हैं। ही डिस्कस अबाउट इकोलॉजिकल पिरामिड ऑफ नंबर्स stating that in any area organisms that are present at the end of a food chain are those that produce least number of offsprings in a year. Such an area is usually a habitat for the family of such organisms. क्या बोलते हैं चार्ल्स एल्टन, वो बता रहे हैं हमें कि number of stating, उन्होंने बोला कि इकोलॉजिकल पिरामिड में उन्होंने बताया कि जो टर्शरी लेवल ट्रॉपिक लेवल है या आखिरी वाला जो आपका ट्रॉपिक लेवल है उसमें जितने भी ऑर्गेनिज्म से उनकी संख्या कम है या उनमें रिप्रोडक्शन जो है वो कम होता है। रिप्रोडक्शन का मतलब है कि टू रिप्रोड्यूस, ऑफस्प्रिंग्स जो उनके आते हैं वो साल में कम आते हैं, कौन से लेवल के यानी ऑर्गेनिजम्स के, दैट आर प्रेजेंट एट द एंड ऑफ फूड चेन, ऑर्गेनिजम्स दैट आर प्रेजेंट एट द एंड ऑफ फूड चेन, फूड चेन के आखिरी एंड पे जो ऑर्गेनिजम्स रहते हैं उनकी संख्या कैसी है, कम है। ऐसे कौन बता रहा है हमें, चार्ल्स एल्टन। सच एन एरिया इज यूजुअली अ हैबिटेट फॉर द फैमिली ऑफ सच ऑर्गेनिज्म, और वो एरिया जो है जिस एरिया में वो देखते हैं वो कैसा है, उनका हैबिटेट है फॉर द फैमिली ऑफ सच ऑर्गेनिज्म, मतलब उस एरिया में वो सर्वाइव हो रहे हैं। दस द ब्रॉड बेस ऑफ अ पिरामिड वुड बी ऑक्यूपाइड
Thus, the feeding relationship of such an area can be represented in the form of pyramid. तो वहाँ के एरिया के जितने भी ऑर्गेनिजम्स या अलग अलग लेवल के क्या बोलेंगे प्राइमरी सेकेंडरी टर्शरी कंज्यूमर्स इनको हम एक पिरामिड फॉर्म में बना सकते हैं। तो उस पिरामिड का जो बेस होगा द ब्रॉड बेस ऑफ अ पिरामिड वुड बी ऑक्यूपाइड बाय ऑर्गेनिज्म हुज पॉपुलेशन वुड बी मैक्सिमम। तो हम लोग नीचे में सबसे नीचे में ऐसे ऑर्गेनिजम्स को रखेंगे जिनका नंबर कैसा है बहुत ज़्यादा है और टॉप में ऐसे ऑर्गेनिजम्स को रखेंगे कि जिनका पॉपुलेशन कैसा है मिनिमम है। तो बेस ब्रॉड होगा तो उसमें क्या होगा ऑर्गेनिज्म हुज पॉपुलेशन मैक्सिमम और टॉप में ऐसे ऑर्गेनिजम्स रहेंगे जिनका पॉपुलेशन कम रहेगा। सच अ पिरामिड वुड रिप्रेजेंट द अवेलेबिलिटी ऑफ फूड एंड द नंबर ऑफ ऑर्गेनिज्म एट ईच ट्रॉपिक लेवल। ऐसा पिरामिड हमें बताता है कि वहाँ पे फूड रिसोर्सेज कितने अवेलेबल है और कितने ऑर्गेनिज्म हर ट्रॉपिक लेवल पे है। वी डू नॉट फाइंड द डायग्राम ऑफ इकोलॉजिकल पिरामिड अलॉन्ग द डिस्क्रिप्शन गिवन बाय एल्टन इन हिज बुक बट वी फाइंड दैट पिरामिड्स हैव बीन यूज एक्सटेंसिवली आफ्टर एल्टन टू नॉट ओनली रिप्रेजेंट नंबर्स बट अदर क्वांटिफिएबल पैरामीटर्स ऑफ इकोसिस्टम एज बायोमास एंड एनर्जी। इन्होंने जैसे बताया वैसे पिरामिड उनकी बुक में तो देखने को नहीं मिला बट उनके बाद जितने भी लोगों ने पिरामिड बनाए उसमें मेनली उन्होंने इकोसिस्टम के पैरामीटर्स लिए हैं बायोमास और एनर्जी एंड इन मोस्ट पिरामिड ड्रॉन सो फार क्वांटिफाइड वैल्यूज हैव नॉट बीन रिप्रेजेंटेड प्रोपोर्शनेटली। और जितने भी पिरामिड्स हैं उनमें हर ट्रॉपिक लेवल के ऑर्गेनिजम्स की संख्या को ठीक से डिस्क्राइब नहीं किया गया। द ऑर्गेनिजम्स ऑफ द फूड चेन ऑफ द राइस फार्म कैन बी रिप्रेजेंटेड इन द फॉर्म ऑफ पिरामिड। जो राइस फार्म हमने देखा था उसको अब पिरामिड फॉर्म में यदि हमें बनाना है तो हमें बेस में लेने पड़ेंगे प्रोड्यूसर्स जो कि है आपके राइस प्लांट। राइस प्लांट और प्रोड्यूसर जिनको हमने बेस में लिया है क्योंकि इनकी संख्या सबसे ज़्यादा है। उसके बाद उस राइस प्लांट को खाने वाले जो रैबिट्स है जिनकी संख्या थोड़ी कम थी इससे उनको हमने लिया। फिर उसके बाद स्नैक्स वो भी थोड़े कम है और आप देखोगे टॉप पे हमने ऐसे ऑर्गेनिज्म को रखा है जिनका नंबर बहुत कम है या जिनकी पॉपुलेशन बहुत कम है। इस तरह से हम लोग कोई भी इकोसिस्टम का पिरामिड बना सकते हैं। ड्रॉ अ पिरामिड टू रिप्रेजेंट नंबर ऑफ ऑर्गेनिज्म एट ईच ट्रॉपिक लेवल एज ऑब्टेन बाय यू इन एक्टिविटी वन। आपने जो एरिया सिलेक्ट किया था उस एरिया में जो ऑर्गेनिजम्स आपने आपको ऑब्जर्व करने थे डे टाइम और इवनिंग टाइम में उनका आपको पिरामिड बनाने के लिए यहाँ पे बोला गया है। इफ़ वी कंसिडर ऑल ऑर्गेनिजम्स ऑफ अ फूड वेब प्रेजेंट एट डिफरेंट ट्रॉपिक लेवल एट अ पर्टिकुलर टाइम द पिरामिड वुड। हमने क्या कंसिडर करके ये पिरामिड बनाया है ऑर्गेनिजम्स ऑफ फूड वेब प्रेजेंट एट डिफरेंट ट्रॉपिक लेवल्स। पर्टिकुलर टाइम तो हमने देखा कि कितने फर्स्ट ट्रॉपिक लेवल पे प्लांट है 150,000। फिर हमें सेकेंड ट्रॉपिक लेवल पे प्रोड्यूस प्राइमरी कंज्यूमर्स मिले या हर्बीवोर्स मिले वो थे 200,000। फिर उसके बाद हमें थर्ड ट्रॉपिक लेवल जैने सेकेंडरी कंज्यूमर्स वो कितने हैं 90,000 और आखिरी में हमें फोर्थ ट्रॉपिक लेवल यानी ये होगा प्राइमरी सेकेंडरी टर्शरी कंज्यूमर्स तो उसमें हमें मिले सिर्फ 10। तो इस तरह से जिसकी संख्या ज़्यादा है उसको हम बेस में रखेंगे और जिसकी संख्या कम है और मिनिमम पॉपुलेशन है उसको हम टॉप में रखेंगे। व्हेन द राइस क्रॉप इज हार्वेस्टेड व्हाट डू यू थिंक विल हैपन टू द इकोसिस्टम ऑन द फार्म। जब उस फसल को काटा जाएगा तो उस फार्म में क्या हो जाएगा डू यू थिंक देयर वुड बी द सेम नंबर ऑफ ऑर्गेनिज्म। क्या आप देखोगे फिर भी वहाँ पे रैबिट इंसेक्ट ये सारे ऑर्गेनिजम्स देखने को मिलेंगे। द कंडीशन ऑफ इकोसिस्टम आर इन्फ्लुएंस एंड चेंज बाय ह्यूमन इंटरवेंशंस एंड नेचुरल फिनोमिना।
जो भी इकोसिस्टम है उसमें बदलाव आता है, क्योंकि उसमें ह्यूमन बींग्स की कुछ एक्टिविटी और नेचुरल फिनोमिनाज होते हैं, जैसे फ्लड होता है, फेमिन होता है या फिर साइक्लोन होता है। आफ्टर हार्वेस्टिंग सेवरल ऑर्गेनिजम्स डाई और मूव आउट टू अदर एरियाज वेयर देयर आर रिसोर्सेज टू सस्टेन देयर सर्वाइवल। क्या हो गया कि जो इंसेक्टिवोर्स या हर प्राइमरी कंज्यूमर्स थे वो वहाँ एक तो मर गए क्योंकि खाने के लिए कुछ बचा नहीं, या फिर कुछ दूसरी जगह चले गए जहाँ पे उनको फूड मिला। इट इज दस ऑफन इम्पॉर्टेंट टू मेंटेन सर्टन कंडीशन इन एन इकोसिस्टम फॉर कंजर्वेशन ऑफ बोथ बायोटिक एंड एबायोटिक टाइप्स ऑफ रिसोर्सेस। इसलिए हमें इकोसिस्टम में क्या मेंटेन करना ज़रूरी है, ऐसे कंडीशन जिसके में बायोटिक और एबायोटिक फैक्टर्स हमेशा कैसे रहेंगे, बैलेंस रहेंगे। यू मस्ट हैव हर्ड दिस डेज दैट इट इज़ रिकमेंडेड टू ग्रो मोर देन वन टाइप ऑफ क्रॉप इन अ फील्ड एट अ टाइम। अभी हम लोग देखते हैं कि जो रूल बनाया है या फार्मर्स जो है एक ही फार्म लैंड में एक से ज़्यादा टाइप के क्रॉप लेते हैं। पल्सेस आर जनरली ग्रोन विद सीरियल क्रॉप्स इन मेनी पार्ट्स ऑफ आवर कंट्री। हमारे देश में पल्सेस जो है उसके साथ साथ बहुत सारे सीरियल्स भी लिए जाते हैं, जैसे कि दालों के साथ हम लोग दूसरा क्रॉप भी लेते हैं। इट इज़ ऑल्सो रिकमेंडेड टू ग्रो ट्रीज इन फार्म एरियाज एट पर्टिकुलर इंटरवल एंड ऑल्सो प्रैक्टिस फिश कल्चर इन वाटर दैट एक्यूमुलेट्स इन द फील्ड। और जो खेत में पानी भरा रहता है उसमें आप फिश कल्चर भी डेवलप कर सकते हो या करने के लिए बोला गया है, और आपके ट्रीज के बाउंड्री पे अलग अलग ट्री बाउंड्री पे अलग अलग ट्रीज लगाते हैं। दिस हैज सेवरल बेनिफिट्स लाइक कंजर्विंग बायोडाइवर्सिटी, रिस्टोरिंग सॉइल न्यूट्रिएंट्स, बायोलॉजिकल कंट्रोलिंग क्रॉप पेस्ट। We would need to study some other types of pyramids। इस तरह से क्या हो जाएगा कि अपने आप इकोलॉजिकल बैलेंस बना रहेगा और आपके फसल भी जो है वो सुरक्षित रहेगी। अब ये अलग टाइप के पिरामिड्स है, इसको हम नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे। टिल देन यू रीड द चैप्टर एंड ट्राई टू ड्रॉ द पिरामिड ऑफ राइस फार्म। थैंक यू।